जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बड़ी अपडेट, प्रशिक्षण 3 नवंबर से शुरू होने वाला है। दोस्तों 14,000 सिपाहियों का प्रशिक्षण 3 नवंबर से इंतजार बिल्कुल खत्म हो गया। आपको पता है कि वो सभी लोग जेटीसी के लिए जा चुके हैं 14,000 के समथिंग में, और उनकी आरटीसी 3 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय के नागरिक पुलिस के 14,000 सिपाहियों की ट्रेनिंग 3 नवंबर से शुरू कराने का फैसला किया है। 6 महीने की यह आधारभूत ट्रेनिंग 76 जनपदीय व पीएससी वाहनी आरटीएस तथा एक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में कराई जाएगी, दोनों एक में ही, ठीक है, जेटीसी और आरटीसी दोनों ही। नागरिक पुलिस एवं पीएससी में सिपाहियों के पदों पर सीधी भर्ती 2018 में चयनित कुल 49,568 सिपाहियों की ट्रेनिंग का यह पहला चरण है। ट्रेनिंग कुल 4 चरणों में कराई जानी है। पहले चरण में ट्रेनिंग के लिए चयनित कुल 14,000 सिपाहियों में 13,261 पुरुष और 739 महिला सिपाही हैं। सिपाहियों को ट्रेनिंग सेंटर आवंटित कर दिया गया है। यह ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नागरिक पुलिस आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2019 के अनुसार कराई जाएगी। एडीजी ट्रेनिंग डॉक्टर संजय एम तरड़े ने सभी ट्रेनिंग सेंटरों से कहा है कि प्रत्येक प्रशिक्षु की राजकीय चिकित्सकों द्वारा कोविड-19 की जांच कराई जाएगी। दोस्तों एक चीज और बता दूं आप सभी के लिए, सभी 76 जिलों और पीटीसी में शुरू होगा प्रशिक्षण। मेरा दोस्तों कुछ ऐसा संज्ञान में आया है कि जेटीसी और आरटीसी एक ही जगह कराई जा रही है, क्योंकि हमारा भाई गया हुआ है इसमें, जहां उसकी जेटीसी है वहीं उसकी दोस्तों आरटीसी की भी लिस्ट आ गई है, यानी उसका जेटीसी और आरटीसी एक ही साथ होगा। यदि आपको दोस्तों कुछ ऐसी न्यूज़ है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 52,000 कांस्टेबल के बारे में। दोस्तों अभी 4 चरण इसके बाकी हैं, यानी कि पहला चरण हो गया, अभी 3 चरण 49,568 की ट्रेनिंग के बाकी रहेंगे। एक बार और सिविल वाले जाएंगे, 2 बार पीएससी वाले जाएंगे। तो वैकेंसी दोस्तों जो ना आने का कारण है यही भर्ती है 49,568, और यही दोस्तों प्रशिक्षण का मामला है, क्योंकि प्रशिक्षण के लिए क्षमता कम होने की वजह से दोस्तों ये वैकेंसी को पीछे खींच रहे हैं। भाई ऐसा ही है, तो भाई प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ाइए, काफ़ी समय मिला है, और जो आगामी वैकेंसी है उसको लंबा खींच क्यों रहे हैं, आगामी वैकेंसी को भेजिए। 2018 के बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश था कि प्रत्येक वर्ष 30,000 की वैकेंसी कराई जाए। तो भाई कहने का मतलब मेरा ये है, और आप लोग सोचिए, रिट वगैरह फाइल कीजिए, जवाब मांगिए सरकार से, क्योंकि भाई बिना मांगे तो भीख भी नहीं मिलती है, ये तो बड़ी वैकेंसी कैसे मिलेगी। पर कुछ तो करना होगा, तो कुछ करने के लिए दोस्तों इंतजार नहीं देखना, आपको घर नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ तो भाई होना जरूरी है, क्योंकि वैकेंसी आनी भी जरूरी है। 2 साल हो गए, कब तक इंतजार करेंगे कि वैकेंसी आएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।